दोस्तों, आज हम इस खराब सेटअप बॉक्स से काफी ज्यादा तगड़ा एम्पलीफायर आपको बना के दिखाएंगे, जिससे आप 6 इंच का स्पीकर आसानी से चला सकते हैं और आप इससे 2 स्पीकर भी आसानी से चला सकते हैं। काफी ज्यादा हाई इसमें आपको आवाज भी देखने के लिए मिल जाएगी। हमारे घरों में सेटअप बॉक्स काफी ज्यादा पड़े होते हैं, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल के हैं, ये काफी ज्यादा आसानी से मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरा डेड सेटअप बॉक्स है, इसमें मेन लीड भी नहीं लगी हुई है। तो इसी को आज हम मॉडिफाई करके एक एम्पलीफायर बनाएंगे। तो दोस्तों, क्या प्रोसीजर रहेगा इसका, वो हम आपको बताएंगे वीडियो में, बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका ढक्कन ओपन कर लेना होगा। आपको यहाँ पर स्क्रू देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आसानी से आप इसे खोल सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसे खोल चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों, इसके ढक्कन को हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, हमें एक पावर सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। यदि आप चाहें तो इस पावर सप्लाई का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें आवाज़ थोड़ी सी अच्छी चाहिए, तो हम इसकी पावर सप्लाई चेंज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें डिस्प्ले का कनेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इस कार्ड पर लगा होता है। इस कार्ड और सप्लाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे हमें साइड में कर देना है। यहाँ पर दोस्तों, हमें एक 6283 बोर्ड मिल जाएगा, इसे ऑडियो बोर्ड बोलते हैं। यदि आपके पास दोस्तों ये बोर्ड नहीं भी है, तो आप मार्केट से इसे ले सकते हैं, 40-50 रुपये में आपको ये बोर्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस सप्लाई को और इस कार्ड को हम यहाँ पर लगा रहने देंगे, लेकिन इस सप्लाई को हम अलग कर लेते हैं। तो ये सप्लाई दोस्तों हमें निकाल देना है, और ये डिस्प्ले का पत्ता है, इसे भी यहाँ से हम अलग कर देते हैं। तरीके से दोस्तों, हमने डिस्प्ले का पत्ता और सप्लाई को अलग कर दिया है। और यहाँ पे हमें कुछ वायर देखने के लिए मिलेंगे, जो 6283 IC है। यहाँ से हमें 12 वोल्ट इसमें देना होता है। यदि आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको एक मेन कंडेंसर मिल जाएगा, एक 25 वोल्ट का होता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली माइनस प्लस इस कंडेंसर पे दे सकते हैं, तो हमारी IC ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों, इस तरीके से आपको एक प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी, और इसके कनेक्शन भी मैं समझा चुका हूँ। ये हमारे ऑडियो इनपुट के हैं, जो कि हम ब्लूटूथ से इनपुट कराएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे चाहें तो आप एक पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए, पर हम नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्टली इसे मोबाइल से कनेक्ट करके चलाएंगे, मोबाइल से ही हम वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम लगाएंगे ये 12 वोल्ट 2 एम्पीयर की पावर सप्लाई है दोस्तों, इसे हम लगाएंगे। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ देखने के लिए मिलती है। इसके बाद दोस्तों, हम एक ब्लूटूथ चिप लेंगे। ये आपको मार्केट में 50-60 रुपए की मिल जाएगी। वैसे तो ये कम की आती है, लेकिन ऑफलाइन जब इसे ख़रीदेंगे तो ये 50-60 रुपए मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम एक 7805 रेगुलेटर लगाएंगे, जो कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसीजर होता है। जो इसकी फर्स्ट लेग है इनपुट की होती है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट देना होता है, और ये जो सेकेंड लेग है ग्राउंड की होती है, तो ये 5 वोल्ट के लिए और 12 वोल्ट के लिए दोनों ग्राउंड हैं, और ये लास्ट वाली लेग से हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से अभी हम कनेक्शन करके भी आपको दिखाएँगे। तो यहाँ पर दोस्तों, फटाफट से मैं पहले इस पावर सप्लाई को यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। उससे पहले दोस्तों, हम इस पावर सप्लाई में 12 वोल्ट के लिए 2 वायर जोड़ लेंगे, जो कि हम इस मेन कैपेसिटर से लेंगे। यहाँ पे जो 16 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हैं, इसके माइनस से माइनस और प्लस से प्लस, इसमें हम 2 वायर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने इस पावर सप्लाई में 2 वायर जोड़ लिए हैं, जो कि ग्राउंड का हमारा ब्लैक वायर है, और जो येल्लो वायर है एक पॉजिटिव का है। तो चलिए फटाफट से हम इसे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ये सेटअप बॉक्स मैंने कुछ इस तरीके से रख लिया है, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे कनेक्शन किस तरीके से होना है। तो जो हमने सप्लाई से 2 वायर निकाले थे माइनस और प्लस इस तरीके से, और जो हमारा 7805 रेगुलेटर है, तो यहाँ पे 3 लेग इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जो इसकी फर्स्ट की लेग होती है 12 वोल्ट इनपुट की होती है, तो इसे हम इसके साथ में जोड़ लेंगे, जो हमारी पावर सप्लाई से 12 वोल्ट आएगी। तो इस तरीके से इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगी। और जो इसके दूसरे नंबर की पिन है ग्राउंड की होती है, तो एक ग्राउंड का एक वायर लिया है हमने, तो इसे भी हमने ग्राउंड से जोड़ दिया है। इस तरीके से दोस्तों, हमने इसमें 12 वोल्ट इनपुट कर दिए। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर 2 वायर देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर हमें इसे, जहाँ पर दोस्तों हमें
इसमें 5 वोल्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। ये रेड कलर पे हमें 5 वोल्ट मिलेगा और एक ब्लैक एक ग्राउंड का हुआ, तो इसके कनेक्शन अभी करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो दो वायर हैं, इन दोनों वायर को यहाँ पे जो मेन कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर में ये जो माइनस वाला निशान बना हुआ है, यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर जुड़ जाएगा और जो कैपेसिटर का दूसरी लेग है इसमें एक प्लस वाला पॉइंट जुड़ जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से इसके कनेक्शन हो चुके हैं। कैपेसिटर के माइनस पे हमने ब्लैक वाला पॉइंट और जो कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला पॉइंट है वहाँ पे येलो कलर के वायर जोड़ दिए। अब यहाँ पे दोस्तों आरडी इनपुट में जो दो हमें ये तीन जो हमें वायर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो हमारी पीसीबी में आरडी इनपुट कराना है जो मेन प्लेट है, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का वायर है इसे हम छोड़ देंगे और ये जो रेड है और एक थोड़ा ग्रे कलर का वायर हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो ये जो ग्रे कलर का जो वायर है एक ग्राउंड का है और ये जो रेड वाला है ये हमारा लेफ्ट राइट वाला है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ जो हमारा ब्लूटूथ, तो ये दोस्तों हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल के कनेक्शन कैसे होंगे, यहाँ पे हमें इसे 5 वोल्ट देना होता है जिससे ये ऑपरेट होता है। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का वायर है यहाँ पे मैं 5 वोल्ट पे इसे सेट करके रखा हूँ और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का वायर है एक ग्राउंड का है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 5 वोल्ट देंगे और यहाँ पे आप देखें और ये ऊपर में जो आपको तीन वायर देखने के लिए मिल रहे हैं ये लेफ्ट राइट के हैं और ग्राउंड के हैं, तो इसमें से बीच वाला वायर ग्राउंड का है और ये लेफ्ट राइट के हैं। तो लेफ्ट या राइट में से किसी भी एक वायर को उठा के और इस ग्राउंड को उठा के यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। तो किस तरीके से कनेक्शन होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तीन वायर हैं, एक को हम छोड़ देंगे और ये जो दो वायर हैं इनके कनेक्शन यहाँ पे हम कर देंगे। तो बीच वाला हमारा ग्राउंड का है, इसमें भी ये बीच वाला ग्राउंड का है, तो इस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। कनेक्शन हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों हम ब्लूटूथ में सप्लाई इनपुट करेंगे माइनस प्लस की, तो ये जो रेड कलर का वायर देख रहे हैं ये प्लस का है और ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का वायर है ब्लू कलर का ये भी प्लस का है, तो इस तरीके से जोड़ लेंगे और इनमें हम अभी टेपिंग भी लगा लेंगे। और ये जो ग्रीन वाला वायर है ये माइनस का है और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये माइनस का है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम इन सारे जो वायर के हमने कनेक्शन किए हैं यहाँ पे सारे वायर में हम एक टेप लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे डबल साइड टेप से हम इनको भी चिपका देंगे जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है, और ये जो 78.05 रेगुलेटर है इसे मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, ये आसानी से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और हिलेगा भी नहीं। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसे मैं एक डबल साइड टेप से यहाँ पर चिपका देता हूँ, थोड़ा सा टेप लेंगे हम, तो इस तरीके से दोस्तों ये फिक्स हो जाएगा। काफ़ी आसान तरीके से फिक्स हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा सरल इसके कनेक्शन हैं आप देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से टेप वाल लगा देता हूँ फिर हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। इस पहले दोस्तों हम यहाँ पे इसके एसी कनेक्शन और कर लेते हैं लगे यहाँ। तो हमने एक मेन लीड लगा दी है और मेन लीड के कनेक्टर को यहाँ पर लगा देना है जिनमें अच्छे से ये लग जाए। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें मेन लीड भी आसानी से कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसके सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं फिनिशिंग तरीके से और यहाँ पे हमने एक लीड इसमें और जोड़ी है जिससे हम इसे 12 वोल्ट से ऑपरेट करा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट देंगे तो ये ऑन हो जाएगी, चाहे हम इसे अडेप्टर से भी चला सकते हैं या फिर आप इसे बैटरी से भी ऑपरेट करा सकते हैं। तो सारे कनेक्शन सेम हैं बिल्कुल, मैं आपको बता चुका हूँ, टेपिंग वेपिंग वगैरह भी मैं कर चुका हूँ। चलिए अब हम इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्पीकर लगा लिया है जो हमारा 6 इंच का स्पीकर है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास 12 वोल्ट का अडेप्टर है, तो इस अडेप्टर से हम इसे ऑन करेंगे, तो माइनस और प्लस इसमें दे देना है
तो दोस्तों अभी ये ऑन हो चुका है और इसमें हम एक ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने एक एनसीएंस म्यूजिक प्ले कर दिया है और इसकी आवाज़ आप देख सकते हैं क्लियर हमें देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ से मैं आवाज़ को बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आप 6-6 इंच के स्पीकर इसमें दो ठो आराम से चला सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसके कनेक्शन होते हैं और आप घर पे ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।